हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के Z5 के बारे में, जो चाइना में अभी लॉन्च होने वाला है हाल ही कुछ दिनों में। वीवो का Z5 चाइना में लॉन्च होने वाला है 31 जुलाई को। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में जो ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। ये फ़ोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 712 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, जो मल्टी टर्बो के सपोर्ट के साथ आता है। आपको इसके फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो अल्ट्रा क्लियर है, और ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और आपको AI वाइड एंगल ट्रिपल शॉट का सपोर्ट मिलता है, जो बहुत ही वाइड एंगल है, अल्ट्रा वाइड आप बोल सकते हैं इसको। और इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसमें आप देख सकते हैं बेजल भी कितनी पतली दी गई है, ज़्यादा थिक बेजल नहीं है, और फ़ोन का पीछे बैक साइड बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी दिया गया है। अब बाकी फ़ोन जो रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं उससे कंपेयर तो कम ग्लॉसी है, पर वो भी ठीक है। वीवो का Z5 तीन कलर वेरियंट में लॉन्च होता है, वाइट विथ लाइटिश ब्लू एंड एक ब्लू वर्जन, और एक ब्लैक विथ लाइटिश ग्रीन। इसके अंदर 48 मेगापिक्सल क्वाड पिक्सल सेंसर है, जो बहुत ही अच्छे कलर को प्रोड्यूस कर पाता है, और इसके अंदर AI वाइड एंगल का सपोर्ट तो मिलता ही है। उसके साथ आपको इसके अंदर जो नाइट मोड जो दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे पिक क्लियर करता है रात के टाइम पे भी। और इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है, इसमें USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है आपको नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, और ये फ़ोन की साइज़ है 6.38 इंच, और जो है फुल HD+ डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है ये, जो बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत ही अच्छा आपको फील लगता है, एक प्रीमियम फ़ोन की फील आती है। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। ये फ़ोन के अंदर 4500 mAh की बैटरी है, विथ 22.5 का फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, और आपको इनसाइड द बॉक्स 22.5 का फास्ट अडेप्टर आपको इनसाइड द बॉक्स में, जो बहुत ही अच्छा है। और ये फ़ोन के अंदर आप सभी तरह के गेम खेल सकते हैं, PUBG, Fortnite, हाई सेटिंग के, आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप या लैग नहीं मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी टर्बो इसका प्रोसेसर जो दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा और तगड़ा है, जिसे हम हिंदी में तगड़ा, इसका ऑप्टिमाइज CPU है गेमिंग के लिए, और सब इसमें तरह की सेटिंग आपको मिल जाती है। और इसका सबसे अच्छा जो सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले दिया गया, जो बहुत ही अच्छा लगता है हाथ में फील यूज़ करते समय, और इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो दिया गया, जो बहुत फास्ट है। और इस फ़ोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो अल्ट्रा क्लियर है, और बैक कैमरा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और 8 मेगापिक्सल का है आपका अल्ट्रा वाइड एंगल का, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग है। अब बात करते हैं इसे कैमरा शॉट्स के बारे में, जो ऑनलाइन लीक हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस पिक के अंदर कितने अच्छे कलर कॉन्ट्रास्ट और कलर कितने वाइब्रेंट और कितने नेचुरल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आप ये आउटडोर लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है, मॉर्निंग व्यू में अच्छा इसने कैप्चर किया, और इसका अल्ट्रा वाइड एंगल बहुत अच्छा और फास्ट सेंसिंग है। मेन इस फ़ोन का हाईलाइट है वाइड एंगल, जो बहुत ही अच्छे पिक लेते हैं। आप बैकग्राउंड में आप स्काई भी देख सकते हैं, पूरा ब्लू आ रहा है, ये मॉर्निंग में क्लिक की गई है, बहुत ही अच्छे कलर कॉन्ट्रास्ट को ये दिखाता है, हमें शो करता है। इसका ट्रिपल कैमरा इसका मेन फीचर है, जो बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप देख सकते हैं फ़ोन का पूरा ओवरव्यू भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स से मुझे इस तरह के वीडियो और बनाने को मोटिवेट करते हैं, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, थैंक्स।